हम एक दफा नहीं बल्कि 100 दफा फोरेंसिक ऑडिट कराने को तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला क्लियर हो गया? ये क्यों अचानक से एक्सपो सेंटर लाहौर के हॉस्पिटल के हवाले से जो है करप्शन स्कैंडल के तौर पर इसको सामने लाया गया कि जिसकी वजाहत देने की नौबत आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो भी हुकूमत कर रही है एक अंधेरे में हाथ पांव मार रही है, जो जिस तरीके से करना चाहिए वो उसको हुकूमत को समझ नहीं आया कि कैसे करना है। और यकीन है इसमें एक्सपो सेंटर में जिस तरह बदनामी हुई है, सोशल मीडिया पर जिस तरह मरीजों ने एहतजाज किया है वो सब आपके सामने है। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई ना स्वीपर आता है ना कोई मुलाजिम आता है, डॉक्टर्स को यहाँ नजर नहीं आते, और फिर जो इतनी इमरजेंसी बनाया गया है। अब ये नहीं कि मतलब पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा जो है वो घपला हुआ है, तो हम अब किसकी बात माने? और हमें इसके जरूर क्लिनिक हाजिर होना चाहिए। 7 करोड़ नहीं, वो तो मतलब आप 1000 बेड का है तो 40 लाख का, 4-5 हजार का लोहे का बेड है, सर्टिफिकेट बेड तो है नहीं, चाहिए बेड है। ये हार्डली 2-1.5 करोड़ का खर्चा है, बाकी जो भी उससे ज्यादा चाहे 90 है चाहे 80 है, ये सारा घपला है। और इसके ऑडिट कराया जाए और फिर ये हुकूमत के गले पड़ेगा। अब देखो ना, एक चीज अगर हुकूमत, हम बात ये कह रहे हैं कि आप एक नेशनल कंटेंसी डेवलपमेंट तमाम सियासी पार्टी को साथ बुलाएं, ये तो आप पंजाब असेंबली है, पंजाब असेंबली की हेल्थ कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, हेल्थ कमेटी में तमाम पार्टी के नुमाइंदे, आप 2-4 पार्टी को उस हेल्थ कमेटी जो है वो उसको उसके साथ बिठाएं, उनको जिम्मेदारी दें, परचेज करें, निगरानी करें ताकि साफ और शफाफ काम हो। लेकिन ये हुकूमत कहती है कि जी नहीं, हमें पुलिस से हाथ नहीं मिलाना, हमने हुकूमत से मिलाया हाथ मिला, हमने पुलिस से हाथ मिलाया तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। तो इस तरह फिर काम नहीं चल रहा, फिर इस किस्म के स्कैंडल बनेंगे, फिर इस किस्म के लोगों में जो डिप्रेशन होती है, लोग परेशान होते हैं कि किस करप्शन, जिस करप्शन का नारा लगाकर खान साहब आए थे उसी करके वो करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।